ठीक है, कैसे हो आप सब? सो गाइस, फाइनली पीजामा के अंदर कंपेनियन इवेंट आ चुका। अब ये जो कंपेनियन फैल्कन वाला नहीं है, ये बोल सकते हो ड्रैगन बॉल का एक्सक्लूसिव कंपेनियन इवेंट आ चुका है। अब देखो, आपको पता है कि इससे पहले जितना भी कंपेनियन इवेंट पीजामा के अंदर आया था वो होला बडी का फॉर्म में आया था, बट फाइनली बोल सकते हो होला बडी का जो बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है उसको कम्प्लीटली चेंज करके केआर वाला कॉन्सेप्ट ला दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, होला बडी क्रेट आपको दिखाई देता ना कि होला बडी बोल सकते हो स्पिन। पहले हम लोग स्पिन देखने को मिलता था, अभी आपको क्रेट देखने को मिल रहा है जिसमें विश सिस्टम ऐड किया गया। अब ये विश सिस्टम कैसा है, अगर आप पबजी मोबाइल का क्लासिक क्रेट में चल जाओगे तो उसमें भी विश सिस्टम को डाल दिया गया, जिसमें अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सामान को लेना चाहते हो तो उसका विश अगर आप करोगे तो चांसेस बढ़ जाता है कि आपको मिल सकता है। बट ऐसा नहीं कि आपको मिलना ही है। जैसे कि आपको पता है कि अभी अगर आप ओपन करते हो बिना विश करने का तो सब आइटम का मिलने का चांसेस 1:1 होता है, राइट? बट इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी आइटम में विश कर ले तो मिलने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। लाइक इधर आप देखो, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हो, बट 100% नहीं होता है। आप टोटल इसको 4.5 तक ले जा सकते हो, ठीक है? मतलब इसको अगर आप ओपन करते जाओगे थोड़ा बहुत ये बढ़ते रहेगा। तो इसका थोड़ा स्पिन कर लेंगे, दिखा दूंगा मैं कैसे ये स्पिन होता है। बट उससे पहले आज एक बहुत ही हो सकता है क्रूशल दिन है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा दिन है आज। उसमें हम लोग क्लिक करते हैं, आप देख पर आज है 17 अगस्त 2023। एग्जैक्टली आज के दिन 90 डेज पूरा होने वाला है या 90 डेज पूरा हो चुका है हो सकते हो। इधर आप देख पाओ ऊपर मैं लिखा हूँ 90 डेज फ्रॉम 19 मई 2023। आपको पता है 19 मई 2023 को क्या हुआ था? इधर मैं आपको दिखा देता हूँ 19 मई 2023 को आपको पता है पीजामा का रिटर्न हुआ था। इधर आप देखो पोस्ट लिखा हुआ 19/5/2023। और आपको पता है इसी दिन आपको मैं बताया था कि गवर्नमेंट ने 90 डेज का ट्रायल फेज में पीजामा को रखा है, और अभी आज जाके फाइनली वो 90 डेज कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि बीजामा पास हुआ है कि नहीं। रिसेंटली बीजामा के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रहा है। लाइक आपको पता है कि अभी BGIS चल रहा है, BGMS चल रहा है, उसके साथ साथ न्यू अपडेट आया। और अभी सबसे बड़ा चीज़ जो हाईलाइटेड है वो ये है कि जियो सिनेमा के साथ BGIS कोलैब हुआ है। और आज से बोल सकते हो जियो सिनेमा के अंदर, जियो सिनेमा का पता फ्री में आप उसमें स्ट्रीम कर सकते हो, तो उसमें भी आपको BGIS देखने को मिलेगा जैसे हम लोग को सुनने को मिला है। तो क्या लगता है पीजामा ग्रीन फ्लैग मिल चुका है कि नहीं? अगर मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है कि 90 डेज का तो ये एक फॉर्मेलिटी था, 90 डेज के पहले ही बोल सकते हो सब कुछ हो चुका था। क्योंकि अगर देखोगे कि पीजामा वापसी इसीलिए कर पाए जब गवर्नमेंट का जो जो रूल्स था उसको फॉलो किया गया था, उसी के चलते वापसी हुआ, नहीं तो वापसी तभी नहीं होता। 90 डेज का तो बात ही नहीं आता। अब देखो, मान के चलते हैं कि ये हो चुका है अप्रूव, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि भाई फ्यूचर में ये गेम कुछ भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता इसके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर फ्यूचर में जाके BGMI में कुछ भी इधर उधर होता है तो गवर्नमेंट सोचेगा भी नहीं दूसरा टाइम, तो तुरंत से बैन कर देगा, ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से निकल जाएगा। तो आप समझ लेना कि वापस से कांड हो चुका है, ठीक है? बट एक चीज़ अच्छा है, जो फोकस था BGMI के अंदर वो थोड़ा सा हटने वाला 90 डेज का, और उसके बाद अभी बोल सकते हो गेम नॉर्मली चलते रहेगा जैसे सब गेम चलता है, बट बीच बीच में इसका चेकिंग होते रहेगा और गलत कहीं भी होगा तो वापस से आपको देखने को मिलेगा। तो 90 डेज केवल ट्रायल फेज खत्म हुआ, बट गेम के अंदर हमेशा जब तक एग्जिस्ट रहेगा तब तक इसमें हमेशा चेकअप होते रहेगा बीच बीच में, क्योंकि कोई गलती नहीं हो रहा, डेटा तो इधर उधर नहीं जा रहा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो चीज़ अगर कंट्रोल में रख सकता है पीजामा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेगुलर हर एक अपडेट मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा, क्रेड्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और रॉयल पास भी मिलने वाला, ठीक है? तो उसके लिए पीजामा को ये जो चीज़ अपने तरफ से हमेशा फॉलो करते रहना होगा जो ये 90 डेज में वो लोग किया है, ठीक है? तो होप करते हैं पीजामा आगे ऐसे बढ़ते रहे और आप लोग को न्यू कंटेंट देखने को मिल जाए। चलो, इतना तो समझ में आ गया। काफ़ी लोग पूछते रहते कि भाई 90 डेज का ट्रायल पास खत्म हुआ कि नहीं। हाँ, खत्म हो चुका है, आप इन्जॉय कर सकते हो। और फिर भी मैं बोलूँगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपका पॉकेट में हार्म ना हो, ठीक है? तो चलो अभी हम लोग इधर चलते हैं। सबसे पहले एक छोटा मोटा इवेंट आया इधर, आप देख पाओ वाउचर इवेंट, जिसमें अगर आप 40 मिनट तक सर्वाइव करते हो ड्रैगन बॉल सुपर मोड में तो आपको 40 UC वाला वाउचर इसमें देखने को मिलेगा, जिसको आप यूज़ करके होला बडी वाला जो क्रेट है ना उसमें आप डिस्काउंट ला सकते हो। तो एक और कूपन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको 30 मिनट तक सर्वाइव करना है तो आपको 30 UC वाला डिस्काउंट मिलेगा, और बाकी तो भाई ये पुराना वाला ही है। तो चलो स्पिन करते हैं, मतलब क्रेट ओपन करते, ज़्यादा नहीं खोलेंगे भाई, मुझे पता है ये सब मिलने वाला नहीं है, स्कैम क्रेट है, पबजी वाला KR का कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो जैसे आप देख पा रहे इसमें हम लोग परसेंटेज बढ़ाने का बोला है, तो सबसे पहले मैं यही बढ़ाता हूँ, ठीक है? इधर तक बड़ी प्लीफ्स आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग विश करते हैं, ठीक है? तो इसमें आप देख पा रहे एक हार्ट आ चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये मिलना ही है भाई, नहीं। इसमें अगर मैं जैसे जैसे स्पिन करूँगा ना उसमें थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ेगा, और उसके बाद जाके थोड़ा सा चांसेस है कि आपको मिल जाए।
तो मुझे तो लगता है मुझे एक ही ओपन करना चाहिए, 10, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो वो टोटली वेस्ट। चलो ओपन कर देता है, 20 UCL वाउचर अप्लाई है, ओके करते। मुझे पता है कुछ नहीं मिलने वाला, ये स्कैम क्रेट्स होता है, स्क्रीन में तब भी मिलने का चांस रहता है 10 UC का, इसमें तो भाई पूरा देखना कट जाएगा। अच्छा एक आउटफिट ये शायद है मेरे पास, हाँ देखो एक आउटफिट मिला, एक क्रैकर सूट, और शायद से ये है, नहीं है, तो चलो ठीक है। तो ये स्पिन करने का मेन चीज़ है कि ऊपर आपको एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। तो एग्जैक्टली अभी देख पा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ नेक्स्ट लेवल्स ऑड्स आपको दिखाई दे रहा है इंटू 1.5। इसमें ये चीज़ है कि बाकी जितना भी आइटम एक क्रेट में अवेलेबल है सबका चांस मिलने का 1:1 है, बट अभी आपने ओपनिंग किया है अपना जो विश है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो जो आपने सेलेक्ट किया विश में वो बडी को उसको मिलने का चांसेस है 1.5, बट ऐसा नहीं कि 100% है, 100% जब होता है तब आपको कंफर्म है कि भाई ये मिलना ही है, बट ये 1.5 है, मतलब मिलने का थोड़ा सा चांस दूसरे के मुकाबले ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं कि मिलना ही है, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के इसे यूसी इन्वेस्ट करना जो आपके लिए बेटर हो। ये कौन सा कूपन मिल गया भाई, अब ये कूपन तो काम ही नहीं आएगा, समझ गए कौन सा कूपन है, चलो इसे सेंड कर देते। तो ये आप देख पा थोड़ा सा विश इधर आप देख पा रहे हल्का सा बड़ा हुआ है, इधर आप देख पा रहे हो वाइट येल्लो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, तो ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं आके वाला आपको दिखा दिया कि ये स्पिन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब चलो ये आउटफिट जो मिला है कम से कम कुछ तो मिला, तो इसको यूज़ कर लेते हैं, नॉर्मल सा ही आउटफिट है यार, तो चलो ये लेजेंडरी आउटफिट यूज़ कर लेते कुछ दिन, काफ़ी ठीक ठाक सा बोल सकते हो, 540 UC का ये आउटफिट है, काफ़ी महंगा है। चलो होपफुली सबको समझ में आ गया, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।